अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक द पैक पाकिस्तान आज अपने सियासी सफर के दूसरे इलेक्शन में पूरे जोर शोर से जा रही है और उसने अपना मंसूब है, सियासी मंसूब है, वो भी आवाम के सामने रख दिया है। और आज का दिन खुसूसन तहरीक द पैक पाकिस्तान की तारीख का बड़ा अहम दिन है। आज का दिन योम नामोश रिसालत के तौर पर तहरीक द पैक पाकिस्तान मनाती है और आज ही के दिन को तहरीक द पैक पाकिस्तान ने अपने मंसूब के लिए और अपने परचम की परचम कुशाई के लिए चुना। और तहरीक द पैक पाकिस्तान अपने बुनियादी नजरिए नामोश रिसालत अपने नबूवत और दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए मार्ज वजूद में आई और इसी की बुनियाद पर तहरीक द पैक पाकिस्तान की सियासत है, खिदमत है, मुआशरत है, ताजीब है, मईशत है। इन्हीं असूलों की बुनियाद पर, जिन असूलों की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया और आज भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट के माथे पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक द पैक पाकिस्तान के तमाम मकासद ला से शुरू होकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक खत्म होते हैं और इसी के नज़रिए पर इंशाअल्लाह तहरीक द पैक पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान अब मुल्क पाकिस्तान पर इस्लाम हम मजबूत तौर पर देखे तो जब हमारा वक्त टाइम आता वोट आने का तो हम सियासी तौर पर बताते हैं मदद के तौर पर आपकी जमात पकड़ नहीं है तो वो अवाम को हम इस तरह बताते हैं कि वो बोलना। सेकंड ये सवाल है कि आपके सेक्शन के साथ मामला तय होती है बेहतर है आप समझते हैं क्या सेक्शन को मामले में सीधे ज़्यादा दिखा कर पार्टी में चले जाएंगे। तहरीक द पैक पाकिस्तान की ग्राउंड पर अगर चीज़ें मौजूद नहीं है तो इस वक्त तमाम सियासी जमातें सिर्फ और सिर्फ तहरीक द पैक पाकिस्तान से शायद हैं और तहरीक द पैक पाकिस्तान के जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जिम्मेदारान हैं आप पता नहीं किस शहर की बात कर रहे हैं, किस जिले की बात कर रहे हैं, या मुल्क की बात कर रहे हैं। अगर बॉर्डर पार से आए हैं तो उसका मुझे इल्म नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इलेक्शन कमीशन ने जो फहरिस्त जारी की है वो 1400 से ज्यादा की है जो तहरीक द पैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। और रही बात इलेक्शन कम्पेन की तो इलेक्शन कम्पेन में भी इस वक्त मौजूद है हमारे दफातर जिली हों, यूसी हों, पीपीज हों, मरकजी दफातर हों, वो उम्मीदवारान से भी बड़े भरे पड़े हैं और हमारे कारकुनान इस वक्त पाकिस्तान के गली कूचों में अपनी कम्पेन जारी रखे हुए हैं। हाँ वो मीडिया की जेबो जीनत नहीं बन पा रहे और वो उन आंखों की जेबो जीनत नहीं बन पा रहे जिनको ये चीज़ें नागवार मिलती है। देखते हैं वो बदतमीज काम जारी है जो पाकिस्तान के अंदर पाबंदियां थी तकरीबन वो खत्म कर अब है बैन अवी पाबंदियां जो दोनों हुकूमतों का शाखसाना है एक मुस्लिम लीग नून और एक सीपीआई जिन्होंने दोनों ने मिलकर तहरीक द पैक पाकिस्तान के नजरियों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर बैन अवी पाबंदियों को राइज करवाया उनके ऊपर वक्तन फवक्तन काम जारी है लेकिन कोई बकायदा हुकूमत आएगी तो फिर उसके ऊपर काम हो सकेगा। अभी तो आपको पता है आए नहीं लाए हुए मजहबी जमातें जितनी भी हैं इस चीज के मामले में वो कार्य खैर को करती रहती है आपका जो बुनियादी मंशूर है वो क्या होगा और दूसरा आप क्या समझते हैं कि आपके हल्कों में आपकी जो टक्कर है सियासी तौर पर कह वो किन किन जमातों के साथ होगी और इसके अलावा ये बताएं कि इस इंतखाबात में आपकी जमात है जे यू आई भी है जमात इस्लामी भी है बल्कि मुस्लिम लीग भी है तो आपकी जमात सारी सूरत आगे खान तहरीक द पैक पाकिस्तान इस वक्त सियासी सूरत हाल में
पाकिस्तान के पिछले 5 साल दौर भाई जान, वो सैलाब का दौर हो, वो कोरोना का दौर हो, वो महंगाई का दौर हो, कौम के साथ खड़ी है। फिर नामूस रिसालत के मसले पर, खत्म नबूवत के मसले पर, कौमी इशूज के मसले पर, मसला कश्मीर पर, मसला फलस्तीन पर सबसे मजबूत आवाज और अमली जद्दोजहद जो थी वो तहरीक लबैक पाकिस्तान। तहरीक लबैक पाकिस्तान ने तकरीबन 2.25 करोड़ लोगों के, हाँ 2.25 करोड़ लोगों का राशन कोरोना में लोगों तक पहुंचाया। अगरचे वो बास मकामात पर डबल गया, ट्रिपल गया, लेकिन 2.25 करोड़, जिसमें इदारों की रिपोर्ट मौजूद है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा काम किया। फिर जब सैलाब की बारी आई तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने तकरीबन 7 लाख लोगों को रेस्क्यू करवाया, उनको खाने पीने की चीज़ें फराहम की और उनको आर्जी छत और फिर उसके बाद बाकायदा उनके लिए जो भी इंतजाम उसके रहने के लिए वो किए। फिर नामूस रिसालत का मसला आया और उस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपने 54 शहादा दिए और सैकड़ों मजरूह दिए जो आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। और फिर इतनी मुश्किल सख्त कैदोबंद की सोबतें तक काटी। फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जमात जो है वो कलदम होने तक गई। ये सारी चीजें कौम के सामने। फिर उसके बाद जब महंगाई का दौर आया तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का, पाकिस्तान बचाओ मार्च का ऐलान किया। उस पाकिस्तान बचाओ मार्च की मद में पाकिस्तानी कौम को पेट्रोलियम की मसनूआत सस्ती मिली, घी सस्ता मिला, आटा सस्ता मिला और बहुत सारी चीज़ों पर रिलीफ मिला जिनकी फहरिस्त मौजूद है और जो आज तक रिलीफ जारी है बतदरीज। उसके बाद आप आ जाए फलस्तीन के उम्मत मुस्लिमा के मसले पर, तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने सबसे बड़ा मिलियन मार्च पाकिस्तान के अंदर इनकार पजीर किया, जिसको चश्मे फलक ने देखा और फलस्तीनी रहनुमाओं ने, हुर्रियत रहनुमाओं ने, हमास के रहनुमाओं ने उसको पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में बड़े जो एहतजाज हुए और बड़े जो फॉरम्स पर आवाज उठाई गई या बड़े जो पब्लिक ह्यूज क्राउड हुए उनके अंदर शुमार किया और उनके रहनुमाओं ने हमारे से खिताब भी किया और हमारा शुक्रिया भी अदा किया। और उसके लिए बतदरीज आज तक तहरीक लबैक पाकिस्तान की आवाज़ जारी है, वो जलसे हों, गवर्नमेंट मीटिंग्स हों, वो हमारी सियासी कंपेन हो, हमारे पार्टी परचम के साथ, पाकिस्तान परचम के साथ कश्मीर का परचम भी जारी है और फलस्तीन का परचम भी है। तो ये सारी वजूहत हैं जिन पर पाकिस्तानी कौम के सामने तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अपना पिछला 5 साल का सफ़र अपनी कौम के साथ गुजारा है, अपनी कौम के दर्द में और अपनी कौम के मुश्किल वक्त में साथ गुजारे हैं। ये सामने सारी चीज़ें हैं कौम। जी सलाम अलैकुम नवाज भट्टी, असल में आपसे ये सवाल है निजामियत पर मैं बात करना चाहता हूँ कि एक शख्स को एक अदालत एक चीफ जस्टिस मुजरिम करार देती है, ताहयात कर देती है और सेकंड वही उसी शख्स को अदालत जो रिलीफ दे देती है, बल्कि उसी के लिए ग्राउंड बनाई जा रही है, उसी के लिए इलेक्शन और सिलेक्शन होती जा रही है। आप क्या समझते हैं कि आप इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन तो कहीं और होंगे, सिलेक्शन कहीं और होगी, तो आप इस इलेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे या कि ये इलेक्शन उसी तरह नजर हो जाएगा जैसे भी हमारा भाई कह रहा था एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ये इलेक्शन और सिलेक्शन में क्या फर्क है जरा ये बताइए। इलेक्शन और सिलेक्शन में इसी तरह फर्क है जो पिछले 2018 में सिलेक्शन की गई, वो जो शिकार करने आए थे वो खुद भी शिकार हो गए, यही सारी सूरत हाल है। और हम तो ये यकीन करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आजादाना और मुनसिफाना इलेक्शन होने चाहिए और पाकिस्तान की सियासी जमातों को अपने सियासी कैरियर के अंदर किसी को भी आवाज़ नहीं देनी चाहिए कि मैं जीत रहा हूँ या हार रहा हूँ, मैं उठाया जा रहा हूँ या उठाया जा रहा हूँ। ये सारा सियासी सफर है, इसको अपने कौम के सामने रखते हुए ये गुजारना चाहिए। और इस वक्त जो सूरत हाल है, लंदन से बुलाए हुए शख्स को और बुलाकर फिर पाकिस्तान के तमाम मसाइल को इकट्ठा कर फिर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी और पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारों को, बल्कि कोर्ट्स को और जो नाम लिहाज अदल का एक निज़ाम है उसको लाकर एयरपोर्ट पर उसके मुख्य लगवा कर उसको बरी लिया जा रहा है, तो सात चीज़ें तो यही इजाद करती हैं, लेकिन चीज़ें और हालात किसी भी शख्स के साथ और ताकत किसी भी शख्स के साथ और किसी भी शख्स खड़ी हो जाए। हुसैनियों का ये किरदार है कि वो अपना अलम और अपने हुकूक के लिए आखिरी दम तक आवाज बुलंद करते रहे, इसलिए हम इलेक्शन के मैदान में भी खड़े हैं, हम हार जीत से मुबर्रा होकर खड़े हैं और अगर हमारे साथ कोई ऐसा किया गया तो इंशाल्लाह फिर घोड़ा भी हाजिर है और मैदान भी हाजिर है। अहमद फहीम, मेरे दो एक तो फलस्तीन के हवाले से हल क्या है, पूरी दुनिया में रैलीज निकली लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकला है।
आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसका हल क्या है आपकी नजर में। रैलीज अभी निकल रही है लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा। दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इंतखाबात में किससे एक सवाल का जवाब ले। आपने कहा कि फलस्तीन का हल क्या है, फलस्तीन का हल इसी तरह है जिस तरह इसराइल के साथ रियासतें खड़ी हुई हैं, रियासत अमेरिका खड़ी हुई है, रियासत बरतानिया खड़ी हुई है, दुनिया की तमाम वो रियासतें जो ताकत रखती हैं वो फलस्तीन इसराइल के साथ खड़ी है, असलिया के तौर पर, माली मुआवनत के तौर पर, सफारती तौर पर, ताल्लुकात की बुनियाद पर, फिर उनके रहनुमा जाकर इसराइल में दुख का इजहार उनके साथ हमदर्दी कर रहे हैं। फलस्तीन का मसले का हल भी यही है कि एक तरफ बातिल है और एक तरफ हक है। हम ये जानते हुए कि फलस्तीन हक पर है और जो अपने आप को हक की रियासतें कहती हैं वो मुसलमान रियासतें हैं, वो सारी जो ये ताकत रखती हैं उनको उसी तरह जिस तरह इसराइल के साथ बाकी तमाम ताकत रखने वाली रियासतें खड़ी हैं वो फलस्तीन के साथ खड़ी हो जाए तो फलस्तीन का मसला टेबल पर बैठकर हल हो जाएगा। अगर कम अज कम कत्ल गारत रुक कर ये मसला टेबल के ऊपर आ जाएगा ये तय है। अगर हम ये कहें कि हमारी अखलाकी और सफारती ये हमारी हिमायत जारी रहेगी और ये हमायतें जारी रहेगी तो इस वक्त अखलाक में भी फलस्तीनी सबसे बुलंद है, सफारतकारी में भी वो सबसे बुलंद है जो अपना खून भी दे रहे हैं, अपने बच्चे भी दे रहे हैं, अपनी सारी चीजें दे रहे हैं और उस अर्ज मुकद्दस की तहफ्फुज के लिए अपने खानदान तक कटवा रहे हैं तो अखलाकी तौर पर सफारती तौर पर इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक से वो आगे हैं। पाकिस्तानी और तमाम उम्मत मुस्लिमा के जितने भी ममालिक हैं जो ताकत रखते हैं उनको उसी तरह खड़े हो जाना चाहिए इस फलस्तीन के साथ जिस तरह अमरीका और बाकी तागूती ताकतें इसराइल के साथ खड़ी। ये हाल है। आखिरी सवाल, इंतखाबी इत्तेहाद करने जा रहे हैं आप किसी के साथ? इंतखाबी इत्तेहाद हम हर उसके साथ कर हम हर उस जमात के साथ या हर उस धड़े के साथ करने के लिए जा रहे हैं जो हमारे इन मंशूर और हमारे इन नजरियात की बुनियाद पर हमारी हिमायत करने और हमारे साथ चलने के लिए तैयार। नहीं ऐसे नहीं करें, आगे ये बताइएगा कि कराची में आपका इंतखाब जो है एक जमीन हुआ जिसमें आप कैंडिडेट ने टक्कर का मुकाबला लिया और चंद वोटों से उसको शिकस्त दी, लेकिन वहाँ पे जो मिसाइल दिखाई दिए कि उस पोलिंग स्टेशन वाले रोड से लड़ाइयाँ बहुत हुई, क्या आप समझते हैं कि जो आइंदा इलेक्शन है जिसमें आपकी जमात एक वोट बैंक के साथ जो है उतरी थी जमीन इलेक्शन में, आप समझते हैं कि इस इलेक्शन में जो लड़ाई झगड़े का पहलू है उस पे आपने कोई प्लानिंग की है कि उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आपकी दिमाग से थोड़ा जो है वो सख्त रवैया अपनाया जाता है। दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नजर नहीं आ रही, दीगर सियासी जमातें इसका जो है वो किला करती दिखाई देती है, क्या तहरीकें लग रही, पाकिस्तान भी समझती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही? देखें आपने कराची के इलेक्शन की बात की तो कराची के इलेक्शन में जो हमारे मद्दे मुकाबल जमात थी हमारी उनसे तो लड़ाई हुई नहीं, वो जमात जिसका हमारे साथ मुकाबला नहीं था वो बिल्कुल तीसरे चौथे नंबर पर थी, उस जमात को हमारे सामने खड़ा किया गया और उन्होंने एक शोरगुल का भरपूर बात किया तो हमने उससे अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को सिर्फ 65 वोटों से हरा दिया गया और फिर जो रिकाउंटिंग की दरखास्त थी उसको भी मुस्तरद कर दिया गया, फिर जब हम ट्रिब्यूनल में गए वहां केस को तो उसको भी रद्द कर दिया गया, तो ये सारी चीजें जुल्म सहते आए हैं, लेकिन वो ये था कि हमने हालात को काबू में रखना था और कहीं ये ना कहा जाता कि ये देखें एक सीट के लिए ऐसे कर लें, लेकिन अगर मजमूई तौर पर पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सियासी हक पर और इसके जनाब वोट के ऊपर डाका मारा जाएगा तो फिर तो आवाम इश्तियाल में आएगी और फिर तो लोग इश्तियाल में आएंगे और उसका नतीजा फिर कोई भी निकल सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि वो सारी चीजें हम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से भी ये मुतालबा करते हैं कि जिसका जो हक है उसको उतना जरूर दिया जाए और उसको बजाने में हक रखा जाए। टी एल पी का तर्ज हुक्मरानी इस्लाम जैसा होगा। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए सारे लोग आ रहे हैं, जब किसी जनाब उस बात पर हो जाएगी तो वो आप सरेआम होगा, ये थोड़ी होगा कि हमारी बात अंदर और होगी और बाहर होगी, जो भी होगा सरेआम होगा। जनाब आपका सवाल। आपने कहा कि
देखें जोरे बाजू आजमा शिकवा ना कर सयाद से कि कभी कभी कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से। अगर अपना हक लेना है तो उसके लिए मैदान में रहना पड़ेगा। और जो ये हुआ है, कागजात छीने गए हैं, जो लोग उठाए गए हैं, तजवीज कुनिंदा, ताईद कुनिंदा, उम्मीदवारान उठाए गए हैं, हमने इसकी सख्ती से मजम्मत की है। हम ये कहते हैं हर पाकिस्तानी शहरी को, हर पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान का आईन हक देता है कि वो अपना इलेक्शन लड़े, वो अपनी सियासी जमात बनाए, वो अपने किसी भी मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़े जो पाकिस्तान और इस्लाम के मफादात और उसके नजरियात के खिलाफ ना हो। तो ये तो हम बुनियादी तौर पर कहते हैं। और इलेक्शन हर पाकिस्तानी का हक है, वो कोई भी जमात हो, वो कैसी भी जमात हो, उसको हक मिलना चाहिए जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है। सर जहीम लगारी मुखातिब हूँ आपसे। सर जिस तरह बाकी जमातों के साथ करप्ट लोग, करप्शन वाले लोग, जालिम जिन पे काफी एफआईआर होती है, वो इलेक्शन लड़ते हैं। पिछली दफा कुछ आपकी पार्टी के साथ भी ऐसे लोग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पर्सनल हो जाता है, क्या इस बार भी ऐसा होगा या डिफरेंस होगा? दूसरा मुझे बताइएगा कि जिस तरह पाकिस्तान में माओ बहन और चादर चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया जा रहा है, इसकी आप मजम्मत करते हैं? जनाब आपने कहा कि करप्ट लोगों का जिनके ऊपर एफआईआर हैं, देखें एफआईआर तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स पर सबसे ज्यादा है वो साद हुसैन रिजवी है, और इससे पहले जिस पर सबसे ज्यादा है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नबर अल्लाह मरकदहु, जिनके ऊपर 1400 से ज्यादा एफआईआर हैं और जो छुपाई हुई थी वो 2200 निकली और आज भी हम पर हैं। देखें ये इल्जाम है और वो आपके सामने रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में। तो हम पर जो एफआईआर मौजूद हैं और हमारे ये शूरा के जितने अराकीन खड़े हुए हैं ये एफआईआर से मतलब हमारे नामा अमाल भरे पड़े हैं। अगर आप ये कहें कि ये करप्ट है, ये चोर है, हम पर एफआईआर पाकिस्तान काटने पर, पाकिस्तान को तोड़ने के, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करने पर, कौम का माल लूटने पर एफआईआर नहीं है, हमें की सदा बुलंद पढ़ने पर एफआईआर है और इस पर हमें फखर है, इस पर हमें फखर है और हमने लिस्टें सारी जमा करवाई हैं। दूसरी बात आपने की जिस तरह माओ बहन हमने तो उस वक्त भी की जब सब लोग 9 मई की मजम्मत कर रहे थे और हम माओ बहनों के तकद्दस की मजम्मत कर रहे थे, जो उनके ऊपर बेहरमती की उसका मजम्मत कर रहे थे, और हमने ये कहा था कि तेरी मेरी की होंगी ये दी जलिया दी होंगी, वो उमर डार साहब की वालदा हो, वो सनम जावेद साहिबा हो, कोई भी हो, माओ बहनों की सियासत के हम कायल नहीं है। हमने तो हमारे खिलाफ इतना ज्यादा साबका जनाब वजीर आजम साहब की बेटी ने इतनी बातें की है, आज तक हमने उनका नाम भी अपने लबों पर नहीं लेकर आए, इसलिए कि हम ये समझते हैं ये चीजें और ये सियासत मर्दों का मैदान है और वो हमेशा मैदान में होनी चाहिए, घरों तक सियासत नहीं जानी चाहिए, ये इसका हम भुगत कर आए हैं। और अफसोस की बात ये है कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको पहले इक्तदार मिला है और बाद में वो मुश्किलात में आई है। तहरीक लबैक पाकिस्तान वो पहली पार्टी है जो पहले मुश्किलात में है, इक्तदार अल्लाह ताला देगा तो वो उसका मुकद्दर होगा। बहुत शुक्रिया जी। एक सवाल है सर, एक सवाल है, आपके मुकाबले में ईमान ताहिर साहब हैं तो आप सियासत मतलब मुकाबले हैं, आपने अभी ताहिर खातून जी 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 क्या कहना चाहिए? मैं ये कहता हूं कि मैं उनकी गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत करता हूं, उनको ये मुकम्मल हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, हार जीत तो मुकद्दर है। सर आपने नया मंशूर आ गया, बोले बोले नया मंशूर सारी चीजें आ गई, क्या अब जो उम्मीदवार है वो इलेक्टिबल्स लेंगे या अपने पुराने कारकुनों? देखे हमारे इलेक्टिबल्स भी हमारे पास है, हमारे नजरियाती उम्मीदवार भी पास है, नए आने वाले उम्मीदवारों को भी खुश आमदीद कहते हैं।